आदाब सत श्री अकाल जय हिंद। हम लोग यहाँ कुछ श्री कल्याण विद्या मंदिर के बच्चों के साथ, जो आज हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बताएंगे। भारत को आजाद कराने में कई वीर योद्धाओं का योगदान रहा, किंतु महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस इस आजादी की गाड़ी के दो पहिए थे। जर्मनी की जेलों में अनेक भारतीय युद्ध बंदियों के रूप में कैद थे। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें वहां से आजाद करवाकर अपनी आजाद हिंद फौज में शामिल किया। बर्मा में रेडियो ब्रॉडकास्ट पर उन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा। उनकी देशभक्ति उनके आत्म बलिदान पर आधारित थी और उन्होंने जय हिंद के नारे को नेशनल ग्रीटिंग बना दिया। तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों से देश के युवाओं में जोश भर जाता था। अंग्रेजों की सेना में भारतीय सेना भी शामिल थी, जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने इस वफादारी को तोड़कर इसे भारत की ओर मोड़ दिया और इसीलिए उन्होंने आजादी हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस के मन में ये दृढ़ विश्वास था कि वे बिना सेना शक्ति के देश को आजाद नहीं करा सकते थे। जर्मनी से पनडुब्बी में सवार होकर वे सिंगापुर और जापान पहुंचे। वहां से भी उन्होंने कई युद्ध बंदियों को आजाद करवाया और अपनी आजाद हिंद फौज में शामिल किया। नारी शक्ति की ताकत का उन्हें पूरा पूरा ज्ञान था और इसीलिए उन्होंने झांसी रानी रेजिमेंट की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी और महात्मा गांधी ने उन्हें प्रिंस अमंग पेट्रियट कहा। देश में आज भी लोग अपने बेटों का नाम सुभाष रखने में गर्व महसूस करते हैं, जैसे दक्षिण भारत में सुभाष बोस रेड्डी। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे और विचारक थे और महान दूरदर्शी थे। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान की ताकतों का सहारा लिया क्योंकि वे अंग्रेजों के दुश्मन थे और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम उन महान देशभक्तों को नमन करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को समर्पित हमारे YouTube चैनल NSS आवाज को आज ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद।